मनु अकरहा जिसको आपने कई कार्यक्रमों में देखा होगा, इसी कवि को सुन करके आप बिल्कुल हंसी भी बिना नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार हमारे दूसरे कवि हैं माननीय श्री मानवी ओम टिकरिया जी। ओम टिकरिया जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, एक जोरदार ताली हो जाएंगे लिए। उसके पश्चात सत्यम मुरादाबादी जी को जिसको गुजरात से बुलाया गया है, इसके पश्चात मैं अपने महिला कवियों को भी बुलाना चाहता हूँ। केकटी फरीदाबादी जो फरीदाबाद से आई हुई है, केकटी फरीदाबादी सुश्री केकटी जी जल्दी से आइएगा, आ गई है। इसके बाद सुश्री हिना जी, हिना इलाहाबादी। इसके पश्चात हमारी आज की अंतिम कवि है सरिता बेगम, जिसको स्पेशली चौथा से दिल्ली से बुलाया गया है। तो आज के कार्यक्रम में हमारे छह हास्य कवि यहाँ पर मौजूद हैं। एक और कवि संजय जी नहीं आए हैं, शायद ट्रैफिक वगैरह फंस गए होंगे, इन कारणों से नहीं आ पाए हैं। तो चलिए मैं अपने सभी कवियों को एक एक करके बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपनी कविता पेश करने के लिए आएंगे श्रीमान ओम टिकरिया जी, जो कि स्पेशली राजीव से बुलाया गया है। बोलो भारत माता की। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसी कहकर मैं अपनी वाणी को चालू करता हूँ। हमने तो चारों तरफ पढ़ाई का माहौल बनाया है, वाह 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 वाह। हमने तो चारों तरफ पढ़ाई का माहौल बनाया है, फिर भी एग्जाम में नहीं आया। क्या बात है। हमने तो चारों तरफ पढ़ाई का माहौल बनाया है, हमने तो चारों तरफ पढ़ाई का माहौल बनाया है, फिर भी एग्जाम में नहीं आया। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम तो यूं ही चले जाते थे बिना मुंह धोए एग्जाम में। वाह वाह वाह, हम तो यूं ही चले जाते थे बिना मुंह धोए एग्जाम में। वाह वाह, सारे दोस्त कहते थे ये तो बहुत पढ़ के आया। क्या बात है, बहुत खूब बात। हम तो यूं ही चले जाते थे बिना मुंह धोए एग्जाम में। हम तो यूं ही चले जाते थे बिना मुंह धोए एग्जाम में, सारे दोस्त कहते थे ये तो बहुत पढ़ के आया। वाह वाह वाह, क्या बात। इसी के पश्चात मैं अपनी दूसरी शेर सुनाने जा रहा हूँ। वो भूरी आंखों वाली, वाह 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 वाह, वो भूरी आंखों वाली नरम पैरों वाली, वो भूरी आंखों वाली नरम पैरों वाली, क्या बात है। मटकती हुई अंधेरों में, मटकती हुई अंधेरों में तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे पास आएगी और धीरे से बोलेगी। क्या बोलेगी। इसी के पश्चात मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान टिकरिया जी। इसके पश्चात मैं हमारे एक महिला कवि को बुलाना चाहता हूँ, जो कि इलाहाबादी है, हमारी हिना जी। आइएगा और अपनी कविता सुनाइए हमारे दर्शकों को। हमारे टेली वाले अपने आधी कविता सुनने के लिए कब से बेकरार हैं, उम्मीद है तुम्हारी हिना जी। आदरणीय मुख्य अतिथि, मेरे शिक्षागण, यहाँ पर उपस्थित ग्रामवासी, मैं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर पर दो शायरी पेश करने जा रही हूँ, कृपया ध्यान देवे, गौर फरमाइएगा। ये ख्वाहिश है मेरी कि तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। वाह 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 वाह, ये ख्वाहिश है मेरी कि तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो कि आप जिससे भी मिलो
तक जिससे भी मिलो वो कह दे छुट्टा नहीं है बाबा, चलो चलो आगे बढ़ो। वाह 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 वाह, बहुत छुट्टा नहीं है बाबा, चलो चलो आगे बढ़ो। इसी दौरान मैं अपनी दूसरी शायरी को पेश करने जा रही हूँ, कृपया गौर फरमाइएगा। आँखों से आंसू की विदाई कर दो, आँखों से आंसू की विदाई कर दो, दिल से गम की विदाई कर दो। आँखों से आंसू की विदाई कर दो, दिल से गम की विदाई कर दो। अगर मन न लगे कहीं तो, अगर मन न लगे कहीं तो आओ मेरे घर की सफाई कर दो। इसी तरह मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बढ़िया, यदि हमारे बच्चों का कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो बिल्कुल तालियां बजाइएगा, और यदि पसंद नहीं आता है तो और एक्स्ट्रा बजाइएगा। इसी प्रसाद में मैं अपने कवि को बुलाना चाहता हूँ, श्रीमान सत्यदेव, सॉरी सत्यम आरुष जी को, सत्यम आरुष जी जो कि गुजरात से बुलाए गए हैं। यहाँ पर आए आदरणीय मुख्य अतिथि एवं राव महाशय को मैं सादर नमन एवं प्रणाम करता हूँ। अरे ओ प्रेम पुजारी, क्या बात है, बात माना है हमारी। अरे ओ प्रेम पुजारी, बात माना है हमारी, क्या बात है। नारी के चक्कर में मत भूलो कभी यारी, नारी के चक्कर में मत भूलो कभी यारी, लात मारेगी ये नारी, याद आएगी फिर ये यारी। ये सारी बात है जनहित में है जानी, याद आए ये सारी बात है जनहित में है जानी। गौर फरमाइएगा, उन्होंने आज हम पर तीसरी नजर डाली, उन्होंने आज हम पर तीसरी नजर डाली तो हम मधोस हो गए। उन्होंने आज हम पर तीसरी नजर डाली तो हम मधोस हो गए। एक दिन पता चला नजर ही तीसरी है तो हम बेहोश हो गए। एक दिन पता चला नजर ही तीसरी है तो हम बेहोश हो गए। इसके दौरान मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। बहुत 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 बढ़िया, हमारे बच्चों और उत्साहवर्धन के लिए बिल्कुल तालियां की गड़गड़ाहट बीच बीच में बजाते रहिएगा। इसके पश्चात मैं पुनः अपने महिला कवि को बुलाना चाहता हूँ, तुम्हारी सरिता जी, तुम्हारी सरिता जी अपनी कविता सुनाएंगे। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। खिड़की से देखा तो रास्ते में कोई नहीं था, खिड़की से देखा तो रास्ते में कोई नहीं था, रास्ते में देखा तो खिड़की पर कोई नहीं था, नहीं था। मैं अपनी दूसरी शायरी पेश किया जा रही हूँ। सपेरा जंगल में बिल्लियाँ बैठा था, वाह वाह, सपेरा जंगल में बिल्लियाँ बैठा था, वाह वाह, सांप भी निकला कमीना, कैसे सांप भी निकला कमीना, कंबक पे एयरफोन लगाया बैठा था, वाह वाह, कंबक पे एयरफोन लगाया बैठा था, क्या बात है। नाम के मुताबिक आपको अलकरहा कविता सुनाएंगे। आज माता की जय, यहाँ पर आज सभी माताओं पिताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अब मैं अपनी कवि चालू करने जा रहा हूँ। कुछ तो था उसकी माता पर, कुछ तो था उसकी माता पर, न जाने वो हमसे क्यों शर्माती थी, न जाने वो हमसे क्यों शर्माती थी। एक दिन ऐसे तो पता चला, एक दिन ऐसे तो पता चला, नलायक तंबाकू खाती थी, नलायक तंबाकू खाती थी। अब मैं अपनी दूसरी शायरी सुनाना चाह रहा हूँ। दिल की तमन्ना है तुझे कल्पा में बता लूँ,
किलो की है, पर 72 किलो की है, दिल को कैसे समझाऊं, दिल को कैसे समझाऊं। इसके पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, जो कि स्पेशल फॉर फरीदाबाद। जोरदार तालियां हो जाए, बोलो भारत माता की। यहाँ पर आए ग्रामवासी सहपाठी, मेरे सहपाठी शिक्षा को मेरा सादर नमन। आज तुझ पर आंसुओं की बरसात होगी, आज तुझ पर आंसुओं की बरसात होगी, फिर वही अंधेरी काली रात होगी, फिर वही अंधेरी काली रात होगी। याद न करके दिल दिखाया तूने मेरा, याद न करके दिल ने दिल दिखाया मेरा, जा तेरे शरीर में खुजली सारी रात। इसके पश्चात मैं अपनी दूसरी कविता सुनाना चाहती हूँ। न घर को सजाने के लिए, न दिल को बहलाने के लिए, न घर को सजाने के लिए, न दिल को बहलाने के लिए, बस आपकी एक तस्वीर चाहिए, बस आपकी एक तस्वीर चाहिए, मेरे घर में बंदर भगाने के लिए, मेरे